आज है संडे और हम निकल लिए घर से और तुरंत ही बस मिल गई है। आज का ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसको बिना स्किप किए पूरा ब्लॉग देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप की आप लोगों ने वीडियो तो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ आपसे मिस हो जाए। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग देखो कहाँ से शुरू हो रहा है। जल्दी जल्दी ना बस मिल गई, बस में बैठ गए, फिर कहाँ पे तो अब बस छोड़ दिया और अब ऑटो ले रहे हैं और आज हम जा रहे हैं ताज महोत्सव देखने के लिए। ताज महोत्सव लगा हुआ है आगरा में, तो आज हमें आगरा में और फूल प्रदर्शनी भी देखेंगे। मेरी ना कई साल की इच्छा थी कि मैं ये ताज महोत्सव देखूँ, तो आज फाइनली पहुँच ही गए हैं। ऑटो मिल गया, अब पहुँच जाएंगे। पहुंच गए हैं पुष्प प्रदर्शनी, भाजी प्रदर्शनी ये यहाँ पर लगी हुई है। कुछ खाने पीने की स्टॉल लगी हुई है और ये है अंदर। वाह भाई वाह, कितने खूबसूरत फूल हैं ये देखो। चलिए और दिखाते हैं, यहाँ ये खरीद करके भी ले जा रहे हैं। वाह ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये तो मैं एक नजर में ही देख रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा सुंदर फूल लग रहे हैं। और वो भी हमारी मंजिल। अभी मैं आपको सब एक एक करके ना पास पास से सभी दिखाऊंगी। यहाँ पे ये हिरण बने हुए हैं फूलों के, ये देखो। और देखो ओ जटायु, अब मैं ये सोच रही हूँ क्या है? मैं देखूँ और क्या ही वीडियो बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। इतना खूबसूरत सभी कुछ लग रहा है धीरे धीरे। ये देखे इतने रंग बिरंगे फूल, इतने प्यारे प्यारे, सच में। सभी लोग अपने अपने फोटो खिंचवा रहे हैं। जटायु जी खड़े हैं और ये देखिए यहाँ पर कछुआ और ये मगरमच्छ है। मगरमच्छ बताइए कैसे है? करेले हैं, करेले लगाए गए और जीभ बनाई गई है इसकी तरबूज से, और दांत दांत का नहीं पता मुझे। बोलिए जियो मगर तो कमाल होकर यहाँ पर ना फूलों की खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। देखो मेरे पीछे ये सारी आदिवासी बच्चियां हैं। यहाँ माइक चल रहा है ना, हनुमान जी और सीता जी बैठे। ऑन करा नहीं, अब ऑन करा। देखो ऐसा होता है मेरे साथ, मैंने ऑन करा नहीं, अब वीडियो बना रही हूँ। अब देखो ये मेरे पीछे हनुमान जी और सीता जी बैठी हैं और यहाँ पर ना फूलों की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। भजन प्रस्तुत करेंगे, बहुत भीनी भीनी सी, जो भी आपको अच्छा लगता हो। बहुत सुंदर है, मेरी ना कई साल से इच्छा थी इसको देखने की, लेकिन वही जब वक्त होता है तभी। आप सभी बच्चों का, बच्चों के प्रति इनके उत्साह के लिए ये सबके लिए आवश्यक है, इन बच्चों का उत्साह वर्धन करें। सीता मैया जी बैठी हैं, हनुमान जी खड़े हैं हाथ जोड़कर। अब ये मेरे पीछे है मोर, फूलों से बनाया गया। देखो ये जटायु है, वो जामवंत रह जाए। एक इधर है किला दिखाई दे रहा है, लाल किला, और वो उधर ताजमहल दिखाई दे रहा है।
ये दोनों के बीच में ये लगा हुआ है फूल प्रदर्शनी। ये हंस बने हुए हैं इधर और वो शंख बना हुआ है उधर। जामवंत जी हैं, जो मैं जटायु बोल रही थी ना, वो जामवंत जी हैं और इधर जटायु जी हैं। और ये हरी हरी घास ना बहुत ही सुंदर लग रही है। धूप पड़ रही है, आज तो गर्मी लग रही है। फूल प्रदर्शनी के साथ साथ यहाँ पर एक मंच भी लगाया गया है, जहाँ पर लोग अपनी अपनी बहुत ही सुंदर सुंदर विचारों को प्रकट कर रहे हैं। उनकी आवाज़ भी आ रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई गाना गा रहा है, कोई कविता सुना रहा है, और बच्चों ने भी अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, उनको सुनने में भी बहुत आनंद आ रहा है। फूलों को तो हम लोग देख ही रहे हैं, उनकी खुशबू तो हम महसूस कर ही रहे हैं। इन लोगों की प्रस्तुति भी बहुत ही मनमोहक लग रही है। ये यहाँ पर ना बहुत सुंदर सा पार्क है, और यहाँ से वो ताजमहल दिखाई दे रहा है। इस कैमरे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये देखो, ये गेट बंद है, अंदर नहीं जा सकते, काम चल रहा है इसलिए अंदर जाना मना है। घूम करके दिखाती हूँ, देखना ताजमहल, यहाँ से ताजमहल दिखता है। ये देखिए, यहाँ पर ताजमहल को फूलों से बनाया गया है, और गुलाब के फूल भी रखे गए हैं, और वहाँ पर गुलाब के फूल से आगरा लग रहा है। इतनी गुलाब की खुशबू आ रही थी कि ना कुछ पूछो ही मत। हमने तो मत दिल दिया था आज मौके के लिए, जाना है तो जाइए, मुड़ मुड़ के यूं ना देखिए। बोलो तो मारूंगी, मर जाऊंगी सावरांगर में या तो को। यहाँ पर ये कोने में खाने पीने की भी व्यवस्था है। हम लेकर आए हैं कोल्ड ड्रिंक और ये चिप्स, अलग होती है। माँ के सही पूजा पाठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे है, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। दुर्गा भैया की जय, अट्टी भैया की जय। और शुक्रिया आपने मुझे इतना झेला, शुक्रिया, धन्यवाद। बैठने की व्यवस्था है उधर अंदर वो बना हुआ है, लेकिन ना मुझे खुले में घास में प्रकृति के बीच में ही अच्छा लगता है। तो मैंने ये छोटा सा पेड़ है, इसके छाया में हम लोग बैठ गए और यहीं पर अपना थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। सोफे पर बैठने में वो आनंद कहाँ जो जमीन पर हरी हरी घास पर बैठने में मिलता है। अब ई रिक्शा में बैठ रहे हैं और जा रहे हैं ताज महोत्सव। कार है क्या पता नहीं है, ओला लिख रही है इस पे। मुझे ना ये ओला गाड़ी बड़ी पसंद है, छोटी सी और कार जैसी लग रही है। हम पहुंच गए ताज महोत्सव में, अभी अंदर जाएंगे फिर देखेंगे इसमें है क्या क्या। पहली बार आई हो ना, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या क्या है। यहाँ से ना झूले वूले दिखाई दे रहे हैं बच्चों के सारे, और इधर भी सड़क पे देखो लगे हुए हैं, सब बेच रहे हैं अपने। इधर टांगा घोड़ा देखो खा रहा है अपना खाना। ये गेट है, यहाँ से नहीं इधर से जाना है, इधर से क्या टिकट? अच्छा, ₹50 टिकट है। अरे पता ही नहीं है टिकट है, यहाँ तो टिकट है, टिकट ले लो। हाँ ताज महोत्सव भी है तो यहाँ पे टिकट लेगा ₹50। सर एक ही होगी 50 तो? ₹50 टिकट है। और ये यहाँ से टिकट लेंगे, फिर ये गेट है इधर, मैंने अभी दिखाया था, तब अंदर जाएंगे। चलिए जी चलते अंदर। बड़े बड़े झूले लगे हैं इधर, बच्चों के झूले लगे हैं, और यहाँ पे दुकानें लगी हैं क्रॉकरी की, शूट की, कुत्ता भी है ना, अभी बैंगल बॉक्स तो कैसे रखी जाएंगी इसमें?
इसमें ऐसे हाँ लगा के चूड़ी और फिर ऐसे रख दो ऐसे हाँ। पता नहीं आ भी नहीं पाई रखो जाओ ये ऐसे है इतना ऊंचा है ऐसे ऐसे आ तो जाएंगी और ये छोटा है अच्छे है ना सुंदर है ये सिंगल का ही है हाँ सिंगल का ही है सुंदर कितने हैं ये देखो भैया भैया सुनो इसके पैसे बताना इसके 550 का बता रहे हैं इसको सिंगल का है हाँ चूड़ी तो बस दो सेट भी नहीं एक सेट आ पाएगा बस और देखो एक बहुत अच्छी चीज से दिखाऊ मुझे दिखाई दिया देखना बिल्कुल असली लग रहा है ये देखो ये बंदा है ऐसे असली लग रहा है वो बंदा देखो बंदा असली लग रहा है ये सुंदर लग रहा है ये देखो एक मन है मेरा रखने का बुद्ध का हाँ तो बुद्ध अच्छी होती है हाँ ये ऐसी घास है ना ये वाली इसको पानी में रखो तो फिर ये इतनी ऐसी हरी सी लगती है इसमें तीन है ये एक है पानी में रखने का पानी 15 दिन में चेंज कर देगा अच्छा पानी चेंज कर दो तो ये धूप चाहिए होती है कि घर में भी अंदर इंडोर है इंडोर है घर के अंदर रखेगा धूप में रखना तो गमले में लगाएंगे बड़ा होगा फूल तो ये एक मिलता होगा ये 40 रुपए का 100 के 3 आएगा मैम 100 के 3 है नेचुरल प्लांट हरिद्वार का प्लांट है पानी में डाल दो आरा हो जाएगा यहाँ पे कपड़े भी कुर्ते भी सुंदर सुंदर से लोग आओ आगे ब्लू कलर आगे रखा हुआ है फिर रख दूसरा सामान नहीं छेद भी है गमले हैं ये हाँ इतना सुंदर लग रहा है ये लाल वाला ये पेड़ के नीचे कितना सुंदर लग रहा है अरे इनकी बांसुरी कहाँ गई इनकी बांसुरी कहाँ गई इनके पास भी नहीं है बांसुरी किसी को नहीं दी है इनके पास इनकी भी नहीं है तो शांत मुद्रा में बहुत हल्के हैं मिट्टी का कुकर मेरे फोन की बैटरी हो गई गुल बहुत कम रह गया तो मैंने यहाँ पे ताज महोत्सव में एक ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ पे मेरा फोन चार्ज हो सके अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी अपना फोन और चार्ज करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे भी यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था फोन को लगा दिया मैंने चार्जर पर मुझे पता था कि फोन की बैटरी चली जाएगी मैं चार्जर रख के लाई थी कहीं ढूंढोगी ऐसी जगह पर कि जहाँ फोन चार्ज हो सके तो अब इसको चार्ज करते हैं फिर आगे का दिखाते हैं आपको तो भूख लग गई थी फोन भी यहाँ पे चार्ज हो रहा है और हम लोग खा रहे हैं चीला चलो अब बाकी का घूमेंगे जो मेला रह गया है मेरा फोन भी चार्ज हो गया फुल और हमने भी खाना खा लिया हम भी चार्ज हो गए चलो अब उठो गिरा लिया ये तो पुरानी आदत है इन पे गिरे नहीं तो खाना ही क्या खाया फिर मतलब बस थोड़ा मोटर लग रही होगी यहाँ तो शंकर जी के जटाओं में से गंगा जी निकाल दिया कितने की स्टिक है ये 2 लाइन 10 रुपए स्टिक है 20 रुपए ग्रीन या पिंक अच्छा
अभी मैंने ना अंग्रेजन के साथ डांस किया, बहुत अच्छा लगा। और ये लकड़ी का मार्केट है यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर से आइटम, बहुत ही प्यारे प्यारे। हाँ चला जाएगा, और कितना अच्छा लग रहा है, एक झूला ले दो ना मुझे, ये झूला कितना अच्छा लग रहा है। मेरा ट्राईपॉड भी टूट गया, ये अंदर रखने का लकड़ी का है ना, नॉर्मल बाहर रख दो, लकड़ी नहीं है, पानी में भीगेगा तो खराब नहीं होगा, पानी अगर टिका रहे ना, जब ये लकड़ी है, ये लकड़ी नहीं फूल जाती है, यूं आता है नीचे। हां वो सही, तो अंदर का ही है। हां अंदर का ही है, तो पानी लकड़ी पानी में कहां सही रहती है। ट्राईपॉड भी टूट गया, जाएगा कैसे, जाएगा कैसे, पर ये झूला बहुत सुंदर है लेकिन ये जाएगा कैसे, और बहुत महंगा भी दे रहे हैं। चलो झूला, बाय बाय। पानी के फाउंटेन देखो कितने सुंदर सुंदर है, फाउंटेन मिट्टी के सारे ही बर्तन है यहाँ पे, ये कढ़ाई कौन सा ताजमहल से पूरा देख लिया, ये तो बहुत बड़ा है पूरा, तो हाँ पूरा ही लगभग देख लिया, आप लोगों को भी बहुत मैंने कोशिश करी है, और अब निकल आए यहाँ से, गेट ये गेट है ना, जाने का गेट अलग है आने का अलग है, और यहाँ बाहर भी ना लोग बहुत, लौट के चलने लगे हम, ऑटो मिल गया हमें और फिर ऑटो पहुँचा देगा हमें बस के पास, बस में बैठ करके घर। कैसा लगा ताजमहोत्सव? बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया, बहुत अच्छा। छुट्टी वसूल है, छुट्टी वसूल हो गई, इतवार वसूल। साढ़े छह बजने वाले हैं, अब बस मिली है, बस छोड़ दिया, ई रिक्शा ले लिया, 8 बज गए और पहुंच गए घर पे। ईसु मेरा ट्राईपॉड भी टूट गया, ट्राईपॉड टूट गया, पहले से ही वो चटका था, रखा बैग में, बैग भी नहीं उतारा मैंने, गिर गया होगा, नहीं मुझे पता चल गया, फोन गिरने से पहले मुझे पता चल गया कि मेरा ट्राईपॉड टूट गया, और वो ना पहले से ही टूट गया था, तो मैंने ना फेविक्विक से उसको चुपका रखा था, तो वो फेविक्विक से वहीं से दोबारा से टूट गया। इस ट्राईपॉड को ना मैं ऐसे ऐसे चला रही थी, ऐसे ऐसे ट्राईपॉड को चला रही थी मैं कि चुपका चुपका के, वह संभाल संभाल के, है ना, ये चार्जर ले गई थी, फोन चार्ज करना पड़ा, बैटरी चली जाती है, और ये देखो ये ना एक तरफ ये निकल गया था, तो मैंने यहाँ ये रबड़ होती है ना ये रेजर वो लगा लिया था, तो ये यही टूट गया, ये यहाँ पे मैंने फेविक्विक लगा के चिपका दिया था, तो ये हिलने लगा, वो तो फोन गिरा नहीं मेरा, मुझे पता चल गया मैं हिल क्यों रहा है फोन, तो ऐसे करके फिर तो यही पहुँच गए हैं, और वीडियो का यहीं पर, वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, ताज महोत्सव पसंद आया होगा, फूल प्रदर्शनी पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल मत भूलना, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, ब्लॉग में, बाय बाय। दिखाओ दिखाओ देखो इतना बड़े मेले में से हम क्या लेके आए हैं, ये रहा मेरा।
बहुत सुंदर से, ये हैं भगवान बौद्ध, कितने सुंदर है, बहुत सुंदर है, रख दो सूटकेस में रख दो।